रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है फतेहाबाद से, जहां बच्चे का भ्रूण मिलने से सनसनी फैल गई। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सिविल अस्पताल के बाथरूम से नवजात का भ्रूण मिला है। 6 महीने के नवजात के भ्रूण को फेंककर फरार अज्ञात। इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला यह मामला सामने आया है। बाथरूम से एक भ्रूण पाया गया, उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, जांच में जुट गई है पुलिस। सीसीटीवी कैमरों की भी पड़ताल की जा रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, फतेहाबाद का यह मामला है जहां पर भ्रूण मिलने से सनसनी फैल गई। सिविल अस्पताल के बाथरूम से नवजात का भ्रूण मिला है। जितेंद्र मोंगा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गया अधिक जानकारी के साथ। जितेंद्र, क्या कुछ ज्यादा जानकारी मिल पा रही है इस मामले में? फतेहाबाद में इंसान को करने वाला ये मामला जो है सामने आया है। नागरिक अस्पताल जो है वहाँ पर 6 महीने के बच्चे का भ्रूण मिला है। टॉयलेट जो सीट है उसमें बच्चे का सिर फंसा हुआ था। जैसे ही कर्मचारी पहुंचे तो उन्होंने अस्पताल प्रबंधक को सूचना दी और फिर पुलिस को जानकारी दी गई है। पोस्टमार्टम जो है वो किया जा रहा है और सीसीटीवी भी चेक किए जा रहे हैं अस्पताल के, किसके द्वारा फिर तय किया गया है। जी, क्या अभी तक कुछ पता लग पाया इस मामले में? कोई सुराग पुलिस के हाथ लगा है? जी फिलहाल अभी तक इस मामले में कोई भी सुराग नहीं मिला है। हालांकि एक हो गया है कि ये जो भ्रूण है वो लड़के का है और सीसीटीवी की जांच जो है वो चल रही है, हो सकता है उसमें कोई सामने आए। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।